करनी पड़ती है, लेकिन जब डिलीवरी के बाद आप अपने शिशु को अपनी बाहों में भरती हैं तो आप सारे दुख तकलीफों को भूल जाती हैं और आप सातवें आसमान पर रहती हैं। इस वक्त में आपको हर कोई बताता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतना सारा प्यार, फिक्र, ख्याल और सलाहों के बीच आपको ये तय करने में समस्या आ रही होगी कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको डिलीवरी के बाद नहीं करनी चाहिए। बता दें आपको, शिशु के जन्म के बाद आप उन्हें स्तनपान कराती होंगी और अगर हाल ही में आपने शिशु को जन्म दिया है तो आपका शरीर सामान्य होने की प्रक्रिया में होगा। इस समय ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके शरीर को अधिक से अधिक विटामिन, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन जैसे पौष्टिक तत्व मिले। अगर आप गर्भावस्था के बाद अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो डाइटिंग शुरू करने के लिए कुछ समय तक का इंतजार करें और तब तक के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ आपके लिए ये सामान्य सी बात होगी कि शिशु के सोने के बाद जल्द से जल्द साफ सफाई का काम किया जाए। जाहिर सी बात है कि आपको अपना घर साफ सुथरा देखने की आदत पड़ी है, लेकिन शिशु के जन्म के बाद स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाती है। पर फिर भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपका शरीर भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा है और आपको भी आराम करने की जरूरत है। इसलिए शिशु के सोने के बाद आप भी चैन की नींद लें। डिलीवरी के बाद आप अपनी नींद के साथ समझौता ना करें। डिलीवरी के बाद आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सोने के समय पर बाकी के काम खत्म करेंगी। अगर आपको सोने का समय मिलता है तो उसमें भरपूर नींद लें, खास तौर पर जब आपका शिशु सो रहा हो। नींद पूरी ना होने से आपको थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। आपको बता दें, स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आप में से अधिकतर महिलाओं को लगता होगा कि ये अपने आप हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि स्तनपान कराने के लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सोचना कि आप इसे माहिर हैं, ये सोचकर आप सिर्फ खुद को तनाव देंगे। थोड़ा समय ले, स्तनपान कराने का अभ्यास करें और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बताते चलें, डिलीवरी के बाद आप अपने पोस्टपार्टम स्तर पर होती हैं और आपका शरीर अब भी विकास कर रहा होता है। आपके शरीर की मांसपेशियां इस दौरान कमजोर और नाजुक होती हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करें और आपको लगता हो कि आप सारा काम अकेले कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए आप इस दौरान किसी की मदद ले सकती हैं। इस दौरान कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाएगा, इसलिए बेझिझक सहायता लेकर काम करें। डिलीवरी के बाद शुरुआती दिनों में ज्यादा लोगों से ना मिले। हर कोई आपको आपके नन्हे मुन्ने शिशु को देखना चाहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इससे आपको आसानी से इन्फेक्शन होने की समस्या अधिक रहती है। इसलिए डिलीवरी के बाद शुरुआती दिनों में ज्यादा लोगों से ना मिले। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आप टाइट कपड़े ना पहने। आपका मन बहुत होगा कि आप अपने पसंदीदा कपड़े पहने, लेकिन इस दौरान आपका शरीर पूरी तरह से सामान्य नहीं होता और इसलिए इस तरह के कपड़ों से आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ढीले और आरामदायक कपड़े ही पहने। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें और टिप्स हैं जिसका आपको अपनी डिलीवरी के बाद खासा ख्याल रखने की जरूरत होती है। इससे आपको और आपके शिशु को कोई समस्या नहीं होगी, साथ ही आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।